Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुड मॉर्निंग मेहकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद. कैसे हैं आप सब? उम्मीदें ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहत याब होंगे, खुश होंगे. ये मेरी दुआ आप सबके लिए रोजाना. अच्छा जी, एक रीसेंट चीज जो है मुझे पता चली, हमारे जो डायरेक्टर साहब है उन्हें बर्डिंग का बहुत शौक है और वो बहुत खूबसूरत पिक्चर्स लेते हैं और बहुत जबरदस्त जो है उनकी फोटोग्राफी होती है. और हमारी बातचीत हो रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि आजकल जो है मुर्गाबियां, उड़ने वाली बतखें भी जिन्हें कहते हैं, डक हंटिंग का सीजन है. और जब हंटिंग सीजन की बात आई तो ऑब्वियसली मैं, आपको पता है मुझे जानवरों से कितना ज्यादा प्यार है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि एज अ स्पोर्ट किसी भी जानदार चीज को मारा जाए. और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके आपको कोई पैसे मिल रहे हैं और कंपटीशन है कौन कितनी मारता है. उसके बाद जब मैंने पूछा, मैंने कहा करते क्या है हंटिंग का, क्योंकि तो मुझे पता है कि हमारे भी जो बड़े भाई हैं, कजन्स हैं, वो हंटिंग पे जाया करते थे. लेकिन वो कैंपिंग करने अगर जा रहे हैं तो वहां पर शिकार करके उसको पका कर खा लेना वो एक और चीज होती है कि आपने नेसेसिटी के तौर पर जो है कोई भी चीज जो है वो खाई है. लेकिन एज अ स्पोर्ट हंटिंग, कि आप जो है जस्ट मजे के लिए या टारगेट की जगह किसी जानदार चीज को मार रहे हैं और उसके बाद उन्हें बांट दिया जाता है या जो भी कर दिया जाता है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आती. तो बात करते करते मुझे पता चला कि मार खोर की भी जो है हंटिंग सीजन आता है और उससे पूरी दुनिया से हंटर्स जो हैं वो आते हैं और उसके बाद उसके ऊपर बोली लगती है और उस बोली में से जो सबसे हाईएस्ट बिडर होता है वो जाके जो है हंटिंग करता है मार खोर की. और ये बात तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आई और ये इसलिए मेरी अकल में जो है ये बात नहीं समाती कि मार खोर एक इंडेंजर्ड स्पीशी है. आप सबको पता होगा कि ये हमारा नेशनल एनिमल है और ये जो है माउंटेन एरियाज में पाया जाता है और इसको ऑलरेडी जो है आई थिंक सो बैक इन 1998 में इसको एज एन इंडेंजर्ड स्पीशी करार दे दिया गया था. और उसके बाद जो है आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, जिस पे हमारा तो नेशनल एनिमल है तो हम पे बहुत ज्यादा है कि हम उसके कॉन्जर्वेशन की तरफ जो है वो जाएं. और कॉन्जर्वेशन का बिल्कुल एंटी जो होता है वो उसको खत्म करना होता है या उसको मारना होता है. तो ट्रॉफी हंटिंग के बारे में फिर मैंने थोड़ा पढ़ा और उसमें जी इस तरह की बातें पता चली कि वो जो बिड लगती है या वो जो सबसे हाईएस्ट बिडर होता है, वो जो पैसे होते हैं वो आपकी डेवलपमेंट की तरफ लगाए जाते हैं. उसके कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को जाती है, कुछ परसेंटेज एजुकेशन की तरफ जाती है. और क्योंकि ये नॉर्दर्न एरियाज का है, उस जगह की डेवलपमेंट पे पैसे लगाए जाते हैं. आई स्टिल डोंट बिलीव कि वो डेवलपमेंट के पैसे या वो जो ट्रॉफी है या वो जो भी आपको उसका सिला मिल रहा है या जो कुछ भी उसकी आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, दैट इज वर्थ किलिंग एन एनिमल. एनिमल्स की जब बात होती है, छोटे से छोटा एनिमल, बर्ड, कीड़े मकोड़े से लेके बड़े से बड़े एनिमल तक, एक नेशनल एनिमल तक, हर एनिमल का इकोसिस्टम के अंदर एक रोल होता है. और जब वो स्पीशीज खत्म होती जाती हैं, वैसे वैसे आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता जाता है और वैसे वैसे चीजें ऊपर नीचे होती जाती हैं. जब नेचुरल साइकिल नहीं चलेगा, जब नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना बनेंगी जो उनकी तरफ से आती है, ना ही वो कंज्यूम होंगी बाय दोज एनिमल्स, तो वो साइकिल जो है खराब होगा. और आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम से बड़ा चेंज नहीं आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी जो वहां की एनवायरमेंट है वो भी खत्म जो है खराब होना शुरू हो जाती है. सो इंसानियत के तौर पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी जो है ना दिल में रहम है और एक जानवर, एक जानदार चीज जो बोल नहीं सकती है, उसके राइट्स के लिए अगर आप बात करते हैं या उसको बचाने के लिए आप बात करते हैं, तो भी मुझे उम्मीद होगी कि आप इस क्रूअल स्पोर्ट जो हंटिंग है जो वर्ल्ड वाइड की जाती है और इसके खिलाफ आप बात करेंगे. एंड मैं तो जरूर जितना मैं कुछ कर सकती हूँ, चाहे मैं कोई कैंपेन हो, चाहे कुछ भी हो, अगेंस्ट ट्रॉफी हंटिंग, अगेंस्ट स्पेशली एन एंडेंजर्ड स्पीशी की हंटिंग, कि ऑलरेडी वो इतने कम रह गए हैं दुनिया में. हम लोग एक ऐसा मुल्क है जिसका वो नेशनल एनिमल है, जहां पर ये है, जहां पर लोग देखने आते हैं, टूरिज्म इससे प्रमोट होता है, बाकी जो है हम एक मैप पे नजर आते हैं इसकी वजह से. उस चीज की हंटिंग, उस चीज को खत्म करना, उसको मारना, इट डज नॉट मेक सेंस. ये तो एक मारखोर हंटिंग की बात होगी. उसके अलावा एज अ स्पोर्ट जंगलों
में निकल जाना, उस जमाने की बात मुझे चलने फिर भी समझ आती है कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं था मर्द हजरात के पास, कुछ भी ना टीवी था, ना इंटरनेट था, ना जिमिंग थी, ना कुछ और था, इतनी सारी जो आप लोगों की अब एक्टिविटीज हैं वो कुछ भी नहीं थी। तो ये बंदूक पकड़ के जंगल में निकल गए और बेचारे एनिमल्स का शिकार करना शुरू हो गए जस्ट टू वार्ड ऑफ सम स्टीम। लेकिन नाउ व्हेन यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस, कोई वीडियो गेम ले आओ उसके अंदर मार दो, बतखों वाली आती थी ना, मुर्गाबियां ही होती थी उसमें जिसको आप मार रहे होते थे, इतना शिकार करने का शौक है। डोंट गो आउट इन टू द वाइल्ड एंड किल नेचर, दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी। तो इसके बारे में मैं तो जरूर कहूंगी। और जो पूरी दुनिया से इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे ट्रॉफी हंटिंग के लिए और इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लगा रहे हैं, इतना अगर आपको इस कॉज के अंदर ही कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो पैसे वैसे ही दे दो, राइट? इट विल स्टिल गो टूवर्ड्स एजुकेशन, इट विल स्टिल गो टूवर्ड्स डेवलपमेंट, इट विल स्टिल गो टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ आर कंट्री। उसके लिए आपको हमारे जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है। और प्लीज ऐसे जो है इवेंट्स होस्ट करने का भी आई डोंट नो क्या तुक बनती है। आगे जी बढ़ते हैं। आज हमारा एक म्यूजिकल शो होने वाला है और हमारे एक लेजेंड जो है वो इस शो में आ रहे हैं। और जब मुझे इस बात के बारे में पता चला मैं थोड़ी नर्वस होगी। मैंने हमेशा कहा है कुछ इसके साथ इस तरह के लोग हैं जिनका इतना बड़ा नाम है और जिनकी हम गजलें हैं, उनके गाने हैं, वो हम सुनते आ रहे हैं। जब मुझे पता चलता है कि मैं उनसे लाइव मिलने जा रही हूँ तो समझ नहीं आती मैं क्या कुछ पूछूँ उनसे। तो आज वो यहाँ पर आएंगे और आप सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट, उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। उनका एक डिटेल इंट्रोडक्शन मैं बाद में कराऊंगी। उस्ताद हामिद अली खान साहब, तो आज एक बहुत अच्छा म्यूजिकल शो होने वाला है और मेरा आपसे सवाल भी यही है कि अपनी उदासी दूर करने के लिए आप कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं? एक तो उदासी दूर करने के लिए लोग गाने सुनते हैं, दूसरा जब आप हल्का सा उदास होते हैं ना और आंसू नहीं निकल रहे होते तो भी आप कोई गाना लगा लेते हैं कि वो भाई दिल ही हल्का हो जाए, निकल ही जाए आंसू, है ना? तो वो फुल उदास होने के लिए भी कौन सा सुनते हैं वो भी मुझे बताइएगा। बाकी गेस्ट में अनाउंस करते हैं। चलो हम स्टार्ट करेंगे शो मुस्तफा राना से जो कि हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं और आज भी जो है वो आपको बताएंगे कि कौन से बॉडी पार्ट पर फोकस करना है और कैसे जल्दी से जल्दी फिट होना है। और हमारे साथ होंगे शेफ वसीम जो कि बना रहे हैं व्हाइट क्यूमन फिश विद पिज्जा सॉस। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। तो इसी के साथ शो स्टार्ट करते हैं, छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आप साथ। मेहेक्ति मॉर्निंग, हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे पाकिस्तान के एक नामवर, एक लेजेंडरी क्लासिकल गजल सिंगर ने जिनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जिसने बहुत सारे नामवर सिंगर्स जो है वो पैदा किए। पटियाला घराने से इनका ताल्लुक है और रिसेंटली कोक स्टूडियो में जब भी आपने एक झलक देखी इनकी कोलैबोरेशन थी विद डिफरेंट आर्टिस्ट। और इसके अलावा यूके बेस्ड आर्टिस्ट हो या इंडियन आर्टिस्ट हो, सबके साथ इन्होंने परफॉर्म किया है, वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंसेज हुई हैं। इनको 2007 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया, 2010 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा और इसके अलावा थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट इन्हें बहुत सारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ऐसे हमारे लेजेंड्स हैं जिनसे मिलने का मुझे पर्सनली बहुत शौक होता है और मेरे पास इतने सारे सवाल होते हैं। अच्छी बात है। तो आज हमने आपको बहुत सारी चीजों से जो है ना, सबसे पहले तो अगर म्यूजिक की बात होती है तो आजकल मॉडर्न म्यूजिक भी है, आपने कोक स्टूडियो के साथ भी जो है कोलैबोरेशन की, तो क्या कहेंगे क्या फर्क है जब आपने स्टार्ट किया तब के म्यूजिक में, क्योंकि आपका एक बहुत सीरियस बहुत नामवर घराने से ताल्लुक है? नहीं देखें, असल म्यूजिक तो फिर यही है। अच्छा ठीक है, वो भी म्यूजिक है, मैं ये नहीं कहता कि वो म्यूजिक नहीं है। मजबूत और जो हमारा अपना विरसा है वो तो फिर ये है, वो फिर यही है जो क्लासिकल सिंगिंग है, वो भी ठीक है, जनरेशन पसंद करती है, अच्छा है, वो भी इन्हीं सोरों में बनता है, वो भी ये नहीं कि उनके सोर कोई और हैं, हमारे कोई और हैं, सोर तो एक ही है, रिदम में फर्क है। जो हमारे क्लासिकल जो ताल हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, मैं तो कहता हूँ वो गोरे गए तो उनकी मत मारी जाए कि वो सारी जिंदगी गा ही नहीं सकेंगे। गा ही नहीं सकते, बिल्कुल। सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की तादाद जो होती है जब आप बाहर भी एकेडमीज में चले जाएं तो वो यही जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का म्यूजिक है यहाँ बड़े सगीर का उसमें होती है, लेकिन एक्सेल हमारे ही लोग करते हैं जो यहाँ से सीख के गए होते हैं। मैंने हमें बाहर जब मैं जाता हूँ, मैंने बात की है बल्कि ये मेरे काफी लोगों के सामने कि यूरोप के, अमेरिका के जितने बड़े बड़े वहाँ की जो उनके सिंगर हैं वो हमारे सामने बैठे उनकी होश गुम कर देंगे हम। बिल्कुल, ये क्या काम है,
और क्योंकि हमें पता है कि हम इनका काम कर सकते हैं, ये हमारा नहीं, ये हमारा काम नहीं कर सकते, ये बात उनको भी पता है, वो समझते हैं, ये बात समझते हैं वो, और वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इसीलिए हमारी। अच्छा, एक घराने से ताल्लुक होना, तो जब आप उसी में बड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं वालिद साहब भी जो है वो इतना परफॉर्म करते हैं, मेरे वालिद, दादा, परदादा, सब सभी जो वही, तो सीखा किससे, आप किसको कहेंगे कि ये मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मेरे अंदर ये चीज पैदा की? मेरे वालिद उस्ताद अख्तर हुसैन खान उनका नाम था, बल्कि मुझे नहीं, हमें तीनों भाइयों को उनकी ट्रेनिंग है। मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, और तीसरा मैं था, हम तीन भाई हैं, और तीनों की ट्रेनिंग मेरे वाले साहब की है, जबरदस्त, बल्कि हम मेरे आगे भी असद को भी ट्रेनिंग उनकी थी, उन्हीं की है। अच्छा, माशाल्लाह। उनके दादा लगे मेरे वाले थे, बिल्कुल, तो अमजद को भी, असद को भी उन्होंने ट्रेनिंग दी, और मैं छोटा था, वाले साहब प्यार करते थे मेरे साथ, कभी तुम, मैं बहुत पतला था, अब तो मैं मोटा हो गया हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत पतला था बचपन में, तो वाले साहब ने कहना कि मैं, यार तुम्हें मैंने इतने खिलाया है, कोई और खाता तो वो पहलवान बन जाता, तुम तो लेके अच्छा, तो लाड प्यार भी साथ में, सीखना भी। हाँ, सीखना जाहिर है कि ये देखें, ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए तो हम कहते रहते हैं क्लासिकल क्लासिकल क्यों कहते रहते हैं, हमें पता है कि पूरी जिंदगी इसको देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, देखिए किसी चीज में लगन हो या तो उसका हो जाए, बिल्कुल, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि बंदा हर दुनिया के हर काम में कि, लेकिन एक नहीं हो सकता कि उसकी अंदर चाहत तो इतनी ज्यादा हो ना कि वो उसी का होके रह जाए, उसी को बिल्कुल शौक हो। म्यूजिक में भी ऐसी है, ये क्लासिकल जो हमारा म्यूजिक है ये वो ही कर सकता है जिसको इसकी लगन होगी, इसकी लगन होगी। मेरा अगला सवाल भी ये था कि बेसुरा होना या सुरीला होना, वो तो है ही, वो तो है, बेसुरा तो बहुत है, लेकिन एक अगर आपके घराने में एक ऐसा घराना जो बहुत मशहूर है, जो बहुत नामवर है, उसमें अगर एक ऐसा इंसान हो जिसको म्यूजिक का शौक नहीं या जिसके पास सुर नहीं, तो वो सीख सकता है? देखें, वो आप इस, देखिए मैं इसमें हमेशा ये बात करता हूँ, ठीक है मेरा अल्लाह की मेहरबानी से बहुत बड़ा घराना है, मुझे फख्र है इस बात का, ये नहीं मुझे गुरूर नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस खानदान में पैदा किया, जिसको आप पूरे खानदान को दुनिया जानती है, पूरी दुनिया पे नाम है, पटियाला घराना ऐसा घराना हुआ है जिसको पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इसमें जितने गायक आए उनके अपने बहुत नाम थे, बिल्कुल। अब मेरे दादा जनरल का खिताब था कि गाने वालों का जर्नैल, वाह जबरदस्त, उनके भाई को कर्नैल का, जनरल कर्नल हमारे घराने में हुए, जबरदस्त, मेरे दादे जो थे मेरे, तो वो बात ये है कि लेकिन हमारे लिए एक वजन भी बहुत होता है, एक जिम्मेदारी है, क्योंकि बचपन में तो करते रहे जब थोड़ी सी होश आई, आंखें खोली, देखा कि हमारा घराना तो बहुत बड़ा है, तो बड़ों के इतने नाम है, तो हमने तो इसको करना है, अगर नहीं करेंगे तो ये तो हम रह जाएंगे, तो किया अल्लाह की मेहरबानी से। मेरी वालदा हमेशा ये बात कहती थी, मैंने काफी इंटरव्यू में ये बात करता हूँ, मुझे अल्लाह ने तीन बेटे दिए, तीनों नाम कर रहे हैं, बिल्कुल, और तीनों एक ही बाप की ट्रेनिंग और तीनों एक ही घराने के, वाह जबरदस्त, तो ये तो एक खुशकिस्मती भी है कि आप ऐसे घराने में पैदा हो जाए फिर, लेकिन वो जिम्मेदारी भी बहुत है कि उसको आगे कैसे लेकर चलना है। तो मैं मैं बल्कि बड़ी अच्छी बात की आपने, मुझे याद आई, मैंने आंखें खोली तो बड़े भाइयों का नाम बहुत ज्यादा था, अच्छा। और मेरे लिए नाम करना बहुत मुश्किल था, ये तो अल्लाह की खास करुणावादी और मेरी माँ की दुआ थी मेरे पीछे, कि वो हमेशा दुआ करती थी कि मैं इसका नाम अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ, और हुआ जबरदस्त, और आज तक है, और वो हर चीज में जो है, चाहे मॉडर्न म्यूजिक आ रहा है, जो भी आ रहा है, इसकी जगह, गजल की जगह और क्लासिकल की जगह और कोई नहीं ले सकता। बड़ी मेहरबानी, बड़ा उसका कर्म है कि मैं, देखिए मैं सब गाने वालों को कहता हूँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता कि मुझे लोग अच्छा कहें, मैं अपने मुंह से ना कहूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल, और लोगों ने कहा, अल्लाह की करम नवाजी से पूरी दुनिया पे कहते हैं, मैं बल्कि खामोश हो जाता हूँ, लोग जाहिर है उसकी करम है, मैंने किया हुआ है, मैंने सीखा हुआ है, जान मारी भी है, मेहनत है, गुजारा हुआ इसमें, मेहनत है, बिल्कुल। अच्छा, एक आम सिंगर के लिए जिसने आज सोच लिया कि मैंने सिंगिंग करनी है, आजकल वैसे मैं कहती हूँ सिंगिंग करना मुश्किल नहीं है, एक गिटार पकड़ा, खुद लिखा, खुद गाया, खुद ही अपलोड भी कर दिया, ऐसा ही होता है ना, माइंड ना करना, खुद भी लोड हो गए, तो ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं
जो आप कहेंगे कि एक इंसान में अगर ना हो तो वो सिंगर नहीं बन सकता. तीन चीजें जो होना बहुत जरूरी है. एक तो इसमें हलीमी. अच्छा सही. अदब. ठीक. और अपने सीनियर फनकार की इज्जत को देखना कि ये किस लेवल के मैं क्या हूँ और ये क्या है. जब तक इसकी शिनाख्त नहीं होगी वो क्या एक सीनियर बंदे की इज्जत करेगा. बिल्कुल. और आजकल के जो सीखे मैं तो हैरान होता हूँ खुदा की कसम. हम फन के हिसाब से एक दाव मारे थे इनका पता भी नहीं चले कि है कहाँ ये लोग. बिल्कुल ऐसा तो है. लेकिन अब इनकी किस्मत ये अच्छी कि हमारी जो जनरेशन है उनको अभी तक इस बात का पता नहीं चला. चल रहा है ऐसा आ रहे हैं वक्त अब चल रहा है. क्योंकि सुनने वाले नहीं है ना. ऐसे बहुत कम हैं जो आजकल की जनरेशन में जो पुराना म्यूजिक भी सुनते हैं, जो गजल भी सुनते हैं, जो हमारी अपनी सकाफती जितनी भी मौसीकी है वो भी सुनते हैं. वो सुनेंगे तो उन्हें फर्क पता चलेगा कि आज का म्यूजिक क्या है और वो क्या है. मैं एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मुझे बड़ी अच्छी बात मेरे जहन में आई ये वाली बात कि आजकल के जो वालदे हैं ना ये उनका फर्ज है कि बच्चों को ये भी साथ तालीम दें. उनको जो होती है एक जिंदगी में चलने की साथ इनको अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनाने की भी कोशिश करें. बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर जल्दी इस जो देखिए म्यूजिक की ऐसी चीज है कि जिसको म्यूजिक की समझ आनी शुरू हो जाती है वो दुनिया का हर काम अच्छा करता है. बिल्कुल. चाहे वो अफसर हो वो अच्छा अफसर होगा. उसमें बदतमीजी नहीं होगी, अकड़ नहीं होगी. जैसे मैं एक फनकार हूँ हालांकि मुझे पता है मेरा पूरी दुनिया पे नाम है अल्लाह की मेहरबानी से. लेकिन मैं फिर भी अपने आप को एक आम आदमी समझता हूँ क्योंकि लोग मुझे हामिद अली हाँ उस्ताद हामिद अली हाँ कहते हैं. तो मुझे क्या जरूरत है ब्रदरों को अकड़ा के और नखरे और ये क्या है ये बकवास खाने की. तो आपके पास अगर कोई सीखना चाहे तो आप उन्हें. हाँ जी बिल्कुल. मैं मेरे शागिर्द भी हैं. शागिर्द उनको मैं सिखाता भी हूँ. लेकिन जरा मेरे पास टाइम कम होता है क्योंकि मैंने पूरी दुनिया पे जाना होता है. बिजी हूँ मैं फनकार तो उधर कभी उधर तो जितना टाइम मिलता है तो वो फिर शागिर्दों को देता हूँ. क्योंकि एक गिला जो यंगस्टर्स करते हैं जिन्हें क्योंकि आजकल एक तो ये क्लासिकल सीखने का शौक भी कम लोगों में रह गया है. वो पॉप है म्यूजिक है क्योंकि वो आसान है. तो जिन्हें क्लासिकल सीखने का शौक है वो फिर ये गिला करते हैं कि हमें उस्ताद टाइम नहीं देते. कुछ है जो सीखना चाहते ही नहीं जो कहते हैं हमने तो इंटरनेट से सीखा. हाँ इंटरनेट वो खुद भी मेरा ख्याल है बस मैं कोई बातें ऐसी होती है जो नहीं कर सकते हम. हम वो ब्रेक में करेंगे. मैं तो सुनना चाहूंगी आपसे वो बातें. हम ब्रेक में करेंगे. छोटी सी ब्रेक का टाइम है. ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक खूबसूरत से गीत की रिक्वेस्ट भी करेंगे हम सब. छोटी सी और मौके की मुनासबत से और जो वक्त है इस वक्त सुबह का वैसे ही दिल करता है ऐसी कोई चीज सुन के. सुबह हो ऐसे ही उठो फ्रेश हो जाते हैं. ये रियाजत कितना टाइम लेती है. अब भी होती है ये चलती रहेगी. मैं भी करता हूँ क्योंकि ये तो सारी जिंदगी का काम है. जब तक हम दम में दम होता ना हम ये करते रहते हैं. ठीक है जो जो उम्र बढ़ती है फोर्स कम होती जाती है. अच्छा जैसे इसमें हमने हमारे घराने में ना हमारे घराने का गाना इस बात पे भी मशहूर है कि जो हमारी गमकें और जो ताने हैं ना और जो इसकी स्पाटें और जोरदार इसमें वो सब चीजें वो जवानी में और ताकत से हो सकती हैं. लेकिन मैंने जो सोचा है जो मैंने इसकी रिसर्च की है इस काम में वो जो जो उम्र बढ़ती जाती तजुर्बा बढ़ता जाता है फोर्स कम हो जाती है. फोर्स कम लेकिन सुर पक्के होते जाते हैं. हाँ, तो सुर और इसके जो रास्ते इतने नजर आते हैं. क्लासिकल म्यूजिक की एक ऐसी चीज है मैं तो समझता हूँ कंप्यूटर से भी ज्यादा कोई आगे चीज की चीज है. मेरी अपनी एक सोच है. बिल्कुल. क्योंकि उसकी तो विंडो है ये विंडो है ये विंडो इसका तो इतना वसी इसका मैदान है कि पता नहीं चलता कि जब हम इसमें निकलते हैं तो कौन कौन से रास्ते आगे से आगे आगे से आगे बनते जाते हैं. बाकी अच्छा इसके लिए आपको जहन भी वैसा चाहिए. वो एक कहते हैं म्यूजिक सुनने के लिए
म्यूजिक सुनने वाला कान और वो लिखने के लिए वो वाला हाथ, वो सोच, वो भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बड़ी अच्छी बात की आपने। इसके कान भी होने चाहिए और जहन भी होना चाहिए, जहन भी होना चाहिए और इंसानियत भी होनी चाहिए और अदब भी होना चाहिए सुनने वालों में भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो जो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं बड़े प्यार से आराम से सुनने होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आजकल का म्यूजिक वो छुलकूद और ये और ऐसे बाजू ला रहे होते हैं लोग जैसे पानी में डूब रहे हैं दरिया में ना कहीं बचाओ में। ऐसा ही है। ये वाला काम नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, हम भी सुनते हैं पॉप म्यूजिक बड़ा अच्छा है लेकिन मिजाज है, बीट होती है ठीक है, कुछ धुन भी अच्छी बनी होती है, हम भी खुद भी सुनते हैं लेकिन अब उसको इसके बराबर करें या इसके ऊपर चढ़ा दें तो वो गलत है। ये गलत, वो हम नहीं मानते। अच्छा इससे रिलेटेड फिर एक सवाल है कि एक बहुत सारे इस तरह के अब तो वो हो रहे हैं, किसी एक चीज का मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन वो करते क्या है कि वो पुराना बहुत मशहूर एक कोई क्लासिकल गाना होगा या कोई सूफी गाना होगा उसको लेकर आज के म्यूजिक के साथ मिक्स करके तो फिर उसको दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं और वो कहते हैं कि इसी तरीके से जो नई जनरेशन है वो शायद वो गाना दोबारा सुन ले। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं बल्कि मुझे याद आ गई इससे आपकी इस बात पे, मैं नाम नहीं लेता ना बुरी बात है, एक फनकार ने एक बहुत बड़ी फनकारा का गाना गाया। अच्छा। तो हमारे एक कंपोजर थे बहुत अच्छे मास्टर अब्दुल्ला, वो कहने जब उन्होंने सुना कि इसने रिकॉर्ड किया है कहां एक बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर ने गाया हुआ था वो गाना, लता जी ने गाया हुआ था। अच्छा सही। उसने गाया। अच्छा। तो उसको बुला के कहते हैं बेटा इधर आओ, लता ने बुरा गाया था। दोबारा गाना पड़ा जब को जरूरत महसूस होगी या तुम में इसने कोई पता नहीं क्या जिद्दत पैदा कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ठीक है गा सकता है, मैं ये नहीं कर मैं कहता कि उसको गाना कोई जुर्म है लेकिन वैसा हो नहीं सकता, वैसा हो नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ गुस्ताखी हो जाती है, इतना बड़े नाम का जो इतना अच्छा गाना हो उसको दोबारा गाए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी जिम्मेदारी से उसको गाना पड़ेगा और अगर आप ना गा सके आपका कसूर भी नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे अभी भी रिसेंटली जो कुछ गाने आए जो पहले सुने हुए थे जो बहुत अच्छे थे तो वो सुन के अफसोस होता है कि मैं नहीं चाहती कि नई जनरेशन एक इतना अच्छा गाना पहली दफा ऐसे सुने, वो ओरिजिनल क्यों ना सुने। हाँ बिल्कुल देखिए यही तो ये आप देखिए ये तो जो जनरेशन है उनके बड़ों को चाहिए कि उनको इस तरफ लेके आए अपने बच्चों को। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पढ़ाई अच्छी उनको दे रहे हैं तो अच्छा म्यूजिक भी तो अच्छा उनको म्यूजिक भी तो देना है। ये तो मैं कहती हूँ ये सोल का कभी अच्छे इंसान बनेंगे ना। म्यूजिक अच्छा सुनने वाला एक बड़ा अच्छा इंसान बन जाता है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। कहते हैं ना रूह को सुकून अगर देना है तो एक अच्छा खूबसूरत म्यूजिक। अच्छा सवाल किया आपने, मुझे अच्छी आप इस बात पे मुझे याद आई कि हमारे वाला जो म्यूजिक है ये इसका ताल्लुक है रूह के साथ, जो आज का म्यूजिक है इसका ताल्लुक है जिस्म के साथ। जिस्म के साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखें कि हमारा कोई भी कोई अच्छा फनकार गा रहा होगा तो लोग उनको सुकून मिल रहा होगा वो क्योंकि रूट उसको टैली कर रही है। बिल्कुल। तो जो इनका जो आजकल हो रहा है वो शुरू तो बंदा हिलना शुरू कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे उसमें आप बैठ नहीं सकते एक जगह पे। बिल्कुल सही ये है कि एक्सरसाइज अच्छी है, एक्सरसाइज अच्छी है। बिल्कुल वो रूह की एक्सरसाइज है, रूह को रिफ्रेश रखने के लिए। अच्छा आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है तो पाकिस्तानी और जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं जो दुबई से हिल के वो तो सुनते ही हैं शौक से, लेकिन क्या अंग्रेज या वो लोग जिनका इस म्यूजिक से ताल्लुक नहीं है वो भी शौक से सुनते हैं? वो सुनते हैं लेकिन वो दो म्यूजिक सुनते हैं क्योंकि मैं जाता रहता हूँ बाहर, मैं करता हूँ लोगों में भी मैंने किए हैं प्रभाव, वो या तो प्योर क्लासिकल सुनते हैं या फिर सूफी म्यूजिक सुनते हैं बस, और उनको कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा। क्योंकि ये जो हो रहा है हमारे इधर यहाँ पे ये तो उनका फिर अपना है, उनके तो अपने बहुत अच्छे करते हैं, वो ये क्यों सुनेंगे? वो फिर वो सुनते हैं जो असल म्यूजिक है, वो जब वो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं ना जब हम ताने फिरते हैं तब वो हैरान होते हैं ये कैसे, ये कोई गले में कोई मशीन है ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बड़ा मुश्किल है ये करना। ये नॉर्वे में हुआ था मेरे साथ। अच्छा। ओस्लो में मेरी महफिल थी, अल्लाह बख्शे असद अमानत तो मैं दोनों गा रहे थे हम, तो मैंने जब ये ताने फेरी ना जो अभी मैंने करके दिखाई इसको हम तान बोलते हैं, मैं एक शक्ल बता रहा हूँ इसको तान बोलते हैं हम,
وہ جب محفل ختم ہوئی تو مجھے آگے کہتے ہیں کہ گلے میں کوئی فرقی لگائی ہوئی ہے مشین میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتے ہیں ہو نہیں سکتا ہے یہ کیسے سب سنگروں کو سنتے ہیں وہ سٹیٹ گاتے ہیں لیکن یہ جو چیز ہے یہ ہمارا کلاسیکل میوزک تو وہ تو مجھے پتا ہے اٹلی ناروے نارویجن ہالینڈ ان ملکوں میں جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ پیور کلاسیکل میوزک سنتے ہیں اچھا ہاں جی بلکہ جو کچھ ہمارے جو ایشین لوگ وہاں گئے تو وہ بلکہ وہ بور ہو رہے تھے تو گورے خوش ہو رہے تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم سن رہے ہیں ایک کوئی بھی چیز جو نئی ہوتی ہے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو چیز آپ کی اپنی ہوتی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں کیونکہ وہ سن سن کے وہ شاید اس کی قدر ہم بھول جاتے ہیں وہی چیز جب ہم باہر لے کر جاتے ہیں یا جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پھر جو ہے نام دیتے ہیں اسی لیے ہمارے بہت سارے نامور آرٹسٹ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں جا کے زیادہ مشہور ہوئے اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے لیکن ایک بڑی چیز آپ نے پہلے بات کی تھی مجھے اس بات پہ یاد آ رہی ہے ابھی بات اب دیکھیں میرے بڑے بھائی استاد امانت علی خان نے اے وطن پیارے وطن گایا سارے زمانے نے گایا ویسا گایا کسی نے بالکل سارے زمانے نے گایا اس کو بالکل بالکل ایسا ہی ہے وہ جو اس کے اندر جو آپ کو فیل سنائی دے رہی ہے جو آپ کے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا میوزک آپ کے دل میں آ کے سما جاتا ہے ویسا دوبارہ نہیں ہو سکتا بالکل اس لیے میں جب میری محفلیں ہوتی میں وہاں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی جو ہماری فیلڈ کی میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں کہوں کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں میں سب جنرل بات کر رہا ہوں لیکن جو اس فیلڈ کے فنکار ہیں یہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں پیدا بہت مشکل کام ہے سر میں تو اس کو بالکل مانتی ہوں بہت مشکل ہے سیدھا گانا گانا اتنا مشکل ہے تو یہ تو بہت ہی مشکل ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد آپ سر ویلکم بیک ٹو میکتی مارننگ ہمیں جوائن کیا شیف وسیم نے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ خیریت ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو ہم نے ایک لیجنڈ سے بھی جو ہے ملاقات کروا دی ماشاء اللہ میرے فیوریٹ سنگر میں سے کیا بات ہے تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں کیا پیش کریں گے ہم کی خدمت میں آج ہم یہ کھلائیں گے کیومن فش کیومن فش یا ٹھیک ہے جی کیا انگریڈینٹس ہیں اس کے بڑے نارمل انگریڈینٹس ہیں اس میں سویا ساس یوز کریں گے ٹھیک ہے کیومن ہوگا کیومن سیڈ سفید زیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد مسٹرڈ پاؤڈر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وائٹ فلاور ہوگا چلی سوس ہے اور پیزا سوس ہم نے اس کے ساتھ اوپر سلیش کریں گے اس کے ٹھیک ہے اس کے بعد ایگ ہے بلیک پیپر ہول کرش ٹھیک ہے اور سالٹ سالٹ ٹھیک ہے اس کو آپ سالٹڈ ویجیٹیبلس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں آپ ویسے بھی مطلب ایسے زیادہ مزہ کرتی ہے ویسے ہی اچھا ٹھیک ہے ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا کچھ اگر رکھنا ہے تو ویجیٹیبلز رکھ لیں ورنہ جو ہے ایسے ہی اور کیا ہے اس کی ریسیپی بنائیں گے کیسے ریسیپی بڑی سمپل ہے پہلے اس کو میرینیٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزوں میں ایک ساتھ ہی کرنا ہے جی ایک ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم اسے میرینیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے گرل کریں گے اچھا میں سر کے پاس واپس جاؤں گی اور سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ سر آپ کی پہلی جو لائیو پرفارمنس تھی زندگی میں پہلی دفعہ جب اسٹیج پر گئے اور لائیو پرفارم کیا کیا کیفیت تھی تب اور اب جب جاتے ہیں تب کتنا کچھ بدل چکا ہے نہیں بچپن میں ظاہر ہے وہ ایک ڈر خوف تو ہوتا ہے نا وہ خرابی نہ ہو جائے حالانکہ والد صاحب نے اتنی سخت ٹریننگ تھی ان کی آپ سمجھ لیں کہ جیسے کمانڈو کی ٹریننگ ہوتی نا اچھا یہ ہے کلاسیکل میوزک کی ٹریننگ زبردست مطلب وہ کیا کہ سب سے مشکل آرمی ٹریننگ کون سی ہوتی ہے گوریلا ٹریننگ ہوتی ہے نا وہ سب سے مشکل سمجھ لیں کہ ہمارے میوزک میں یہ ہوتی ہے کہ ہر طرح کے راستوں سے گزارتے ہیں جیسے ان کو بڑے بڑے مشکل راستوں سے میں نے دیکھا نا کبھی کبھی ٹی وی پہ تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری طرح کافی مشکلات تو مطلب ٹریننگ اتنی ہو چکی تھی کہ جب اسٹیج پہ گئے تو وہ اچھا ہی ہو گیا بالکل بچپن میں بلکہ ایک ایسی محفل تھی جہاں ایک بہت بڑی فنکارہ کی محفل تھی اچھا تو جیسے بچوں کو نہیں ایسے بٹھا دیتے
वो मैं 12-13 साल का होगा। अच्छा, काफी छोटे। तो अब उन्होंने कहा जी शुरू में जरा, तो ये मेरे आगे साथ पड़ा हुआ कि जब हमने गाया लोगों ने इतना पसंद किया कि वो जो मेन सिंगर थे उन्होंने कहा मैंने नहीं गाना, उन्होंने कहा मैंने नहीं गाना। ये तो बड़ा यादगार वाक्य है कि आपने वैसे ही गाया। फिर लोगों ने समझाया कि बच्चे हैं, ठीक है। वो बड़ी मुश्किल से फिर उनको तैयार किया गाने के लिए। तैयार, ये भी हो जाता है कभी कभी कि इतना जो है अच्छा कोई गाया। और फिर इंडिया में जब हम मैं और गए असद, तो जब हॉल में दाखिल हुए ना तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था वो, उसमें इंदिरा गांधी जी, मुझ पूरी क्रीम बैठी हुई थी वहाँ। अच्छा। की क्रीम बैठी हुई थी वहाँ की, दिलीप कुमार साहब, हाई प्रोफाइल सब, ये सब लोग थे, वाजपेयी साहब। तो उन्होंने देखे इतने बड़े, क्योंकि मैं जैसा हसन साहब बहुत बड़े फनकार थे, तो हम तो उनकी उम्र के लिहाज से बच्चे थे, वो वैसे भी वो बहुत बड़े फनकार थे वो अपने काम के लिहाज से भी। तो जब हम गए ना तो एकदम लोगों में एक ऐसा आया कि जैसे ये इतने पाकिस्तान ने इतने बड़े प्रोग्राम में बच्चों को भिजवा दिया। अच्छा। वो भी मेहंदी हसन के साथ। हाँ, सही। तो जब हमने शुरू किया ना तो हाल में फिर ऐसा लगा कि सन्नाटा वो हो गया था। अच्छा, तो हैरान परेशान। हैरान। फिर इंदिरा गांधी जी ने बयान दिया था अखबार में। अच्छा। जब ये आए ना दोनों, इनकी जो एंट्री थी मुझे वैसे ऐसे लगा था जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी आ गई। वाह वाह, ये भी क्या यादगार बयान है, आपके साथ रहेगा। हाँ जी जी, इस वक्त असद हमाना तो मेरी हमारी शुरुआत थी। मैं बिल्कुल पतला सा, असद भी बिल्कुल पतला सा, बिल्कुल छोटे छोटे थे हम। और वो जोड़ी, आपकी जोड़ी पसंद भी बहुत की गई। आपको लगता है कि क्योंकि भाइयों के साथ वैसे ही एक एक तो खून का रिश्ता, फिर म्यूजिक का रिश्ता, तो फिर कुछ आपका जो है तालमेल भी एक ही जैसा होगा क्योंकि एक ही उस्ताद से सीखा, तो वो ज्यादा अच्छी जोड़ी जो है वो बन गई। वो जोड़ी हमारी अल्लाह की मेहरबानी से, काफी लोग ये बात करते हैं कि उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फतेह अली खान मेरे भाई, उस्ताद नजाकत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान वो भी मेरे भाई थे, लेकिन उनका घराना दूसरा था, बहुत बड़े फनकार थे वो भी। इनका जमाना था, लोग सुनते इनको थे, दोनों जोड़ियों को, या उनको या उनको या उनको या उनका, नीचे ऊपर ऐसे ही उनका ऐसे ही चलता रहता चलता रहता। लेकिन जमाना ही नहीं। लोग बात ये करते हैं कि इनके बाद देखिए काम की मैं बात करता हूँ कि वो बड़े लोग थे दोनों ही, हम उनके लिहाज से बच्चे, हमारी शुरुआत बच्चे थे जाहिर है, अभी तो खर्च जाके हमने किया, फिर इसको बहुत किया और अलग का कर्म है भी, इतना अरसा हो गया मुझे करते हुए, तो फिर अपने घर से सीखा हमने, इसकी ट्रेनिंग ली हुई हमने, ऐसे कोई टेप रिकॉर्डरों से नहीं याद किया हुआ या किसी से सुन के या किसी को चोरी नहीं किया हुआ, अपने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। तो खैर जोड़ियों, इन जोड़ियों के बाद अगर जोड़ी कामयाब हुई तो वो सिर्फ असद हामिद की थी। बेशक ऐसा ही है, ये बिल्कुल ये कहा जाता है और ये सब मानते हैं। इन जोड़ियों के बाद अगर मकबूल जोड़ी हुई, मैं एक मकबूलियत की बात कर रहा हूँ, अगर मकबूल हुई है ना जोड़ी, वो फिर असद हामिद की थी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ही। वही मैं कह रही ना कि एक तो खून का रिश्ता भी, मेरा तालमेल का रिश्ता, हालांकि मेरा भतीजा था वो असद, लोग भाई समझते रहे, हम था मेरा भतीजा लेकिन हम दोस्तों की तरह थे दोनों। बिल्कुल, क्योंकि उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन बहुत और बहुत बड़े बड़े जो मैं कहती हूँ गाने हैं जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं, जो गीत है वो हमें इसी जोड़ी ने जो है दिए, जो अभी तक इतने मकबूल है। और गाना खत्म ही ना हो, आप गाते रहे, हम सुनते रहे, हमारे दिल को सुकून मिलता रहे, इतना खूबसूरत। गाने वालों की जब बात होती है, गायक अगर वैसे अब नहीं रहे तो लिखने वाले भी वैसे नहीं रहे। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। जो शायरी है, जो जो वो गीत है, वो अभी तक क्यों याद है हमें या हम अभी भी क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो उनकी मजबूत शायरी थी, मजबूत शायरी, वजन उसमें, वजन देखिए आप, ठीक है आजकल जदीद शायरी भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो पहले शायर हुए उनकी उनका जो तरीका कार, उनकी मजबूत बातें, बा मकसद बातें बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पहले जो लिखा जाता था वो
وہ میری اور آپ کی بات نہیں ہو سکتی, وہ ایک عام فہم بات نہیں ہو سکتی, وہ شاعری ہوتی تھی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آج کل کے جو گانے میں بھی لکھ سکتی ہوں, میں بھی لکھ کے دے دوں گی آپ کو. میں کیا لفظ سے لفظ جوڑنا ہے نا, ایک جیسا ساؤنڈ, آخری لفظ جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے, تو وہ میں بھی لکھ دوں گی. لیکن جو وہ شاعری ہے وہ کیا کمال شاعری ہو, کیا ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے پرویا ہوا ہے وہ گانے کے اندر. بالکل صحیح بات, بڑی بالکل حقیقت بات کی آپ نے, ایسی ہے. تو اس وقت کے کمپوزر بھی بہت اچھے تھے, شاعر بھی بہت اچھے تھے. میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ میڈم نور جہاں کے وقت میں, مہدی حسن صاحب کے وقت میں کمپوزر بہت اچھے تھے, شاعر بہت اچھے تھے. اچھا یہ جو بات ہے, یہ شاعری پھر کمپوزیشن پھر گانا, یہ ایک ساتھ مل کے کیسا ہوتا تھا, وہ کیا سما ہوتا تھا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید. کھانے کی طرف ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں, بن چکا ہے جی. کیا کیا ہو رہا ہے شیف وسیم؟ خوشبو تو آ رہی ہے, خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے نا. کہاں تک پہنچی ہماری ریسیپی بتائیے؟ ہماری ریسیپی بس فائنل پہ آ رہی ہے ابھی. اچھا, ہم نے گرل کرنا شروع کر دی ہے فش, اور وہ اتنے مزے کی لگ رہی ہے, تو ہم جو پروگرام ہے اس کے اینڈ تک جاتے تاکہ پھر ہم جو ہے یہ کھا بھی سکے. اور وہ جو دھواں ادھر آ رہا ہے نا, اس سے میرا گلا بالکل ہی بیٹھ رہا ہے. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ماحول ہوتا ہے جہاں پہ کمپوزر بھی بیٹھے ہیں اور وہاں پر سنگر بھی بیٹھے ہیں اور وہاں پر جو شاعری جنہوں نے کی ہے شاعر بھی بیٹھے ہیں, تو کس طرح جو ہے وہ بنتا تھا گانا, کیسے بنتا تھا؟ دیکھیں, جو پہلے گانے بنے میں نے بچپن میں میں نے دیکھے ہیں کہ ان کی پانچ پانچ چھ چھ ریہرسلیں ہوتی تھیں. ریہرسل ہوتی تھی پہلے؟ یہ تو ہم نے کبھی سنتا ہی نہیں. پورے آرکیسٹرا کے ساتھ. اچھا جی, وہاں شاعر بھی بیٹھے ہوتے تھے آن کے, جن کا کلام لکھا ہوتا تھا, کمپوزر تو ہوتے ہی تھا, سنگر اور بلکہ میوزیشن جو کروا رہے ہیں وہ بھی وہاں بیٹھتے تھے. اچھا, جو پروڈیوسر ہوں گے جنہوں نے, اچھا وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے. وہ پھر مشورے سے پھر وہ ریہرسل کر کر کے, تو وہ پھر بات اب دیکھیں کہ پرانے زمانے کے گانے ابھی تک کیوں چل رہے ہیں. بالکل, ابھی دوبارہ ریمکس ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, نئے کیوں نہیں بنتے؟ اب دیکھیں, آج میں آپ کے سامنے سارے نئے میں پیش کر رہا ہوں, یہ سب میری اپنی کمپوزیشن ہے اور سارے, لیکن اتنے وہ, میں کہتی ہوں نا کہ اس میں الفاظ بھی اتنے خوبصورت ہو, کمپوزیشن بھی خوبصورت ہو, گائیکی بھی خوبصورت, تب ہی وہ ایور گرین گانا بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ چلے اور ہر جنریشن کو اچھا لگے, وہ اتنا ہی خوبصورت. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی خیال رکھتے ہیں. دیکھیے, ہم جنریشن کو بھولے نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں ایسا بھی کام کرتا ہوں کہ میں ان کو بھی راضی کر سکتا ہوں. بالکل, میرے پاس ایسا مٹیریل بھی ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ محفل کو دیکھتا ہوں کہ میں نے ان کو اب کیا دینا ہے, کیا جو ہے. تو میرا لمس یونیورسٹی میں پروگرام تھا. اچھا, تو اب وہ لوگ کروانے والے تھوڑے سے ڈرے ہوئے تھے کہ یہاں لڑکے لڑکی ہیں, پتہ نہیں کوئی. تو اللہ کی مہربانی سے ایسی وہ محفل ہوئی ہے کہ ابھی تک وہ یاد کر رہے ہیں کہ اتنے بچے خوش ہوئے. وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب چھوٹے بچے ہیں نا, کبھی کلاسیکل سنا تو وہ سنیں گے, پسند کریں گے یا نہیں. تو لیکن دیکھیں, ہم اس کام کے ڈاکٹر, ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ کون سی دوائی کتنی اس کی جو ہوتی ہے مقدار, وہ دینا ہے اس کو دینا ہے. وہ جو اچھا سمجھ جاؤ ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ تو پھر ایسے ہی کرتا ہے. تو ہم بھی ایسے ہم محفل کو دیکھ کے. اچھا, اپنے بیٹوں کے بارے میں بتائیے, وہ بھی ایک بہت خوبصورت جو ہے نا کہ مکس لے کے آئے ہیں, ان کے پاس کلاسیکل ٹریننگ بھی ہے اور وہ جو ہے یہ نیا پاپ میوزک بھی اس کے اندر جو ہے مکس کرتے ہیں. ہاں, راغب بھائی بینڈ جو ہے وہ بیٹے ہیں, میرے تینوں بیٹے ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ آج کل کے زمانے کے مطابق کام کر رہے ہیں, کیونکہ کرنا بھی چاہیے. اور
زمانے کے ساتھ چلنا بھی چاہیے تھوڑا. میں یہ نہیں کہ میں بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل نہیں خلاف ہوں, ایسی بات بھی نہیں ہے. آپ کی کتنی ان پٹ ہوتی ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں بناتے ہیں؟ میں جو میرا کام ہے نا, کیونکہ اس میوزک کو میں نہیں جانتا. اچھا میں خام کا کہوں گی جی میں وہ بھی جانتا ہوں, بالکل میں گا سکتا ہوں, لیکن میں اس کی جو اس کے لوازمات ہیں وہ میں نہیں جانتا. سر تو یہی ہے, سر تو یہی ہے. دیکھیں یہی تو میں بات کرتا ہوں کہ پوری دنیا پہ یہی سر استعمال ہوتے ہیں, بالکل. چاہے وہ پاپ میوزک ہو, راک ہو, کوئی بھی ہو, کچھ بھی ہو, فلم کا گانا ہو, سر یہی ساتھ استعمال ہوتے ہیں, بالکل. تو یہ اچھا دھن کسی میوزک میں بھی بنی ہو ہمیں بھی اچھی لگتی ہے, اچھی سنتے ہیں. جب عرب کی جو فنکارہ تھی وہ بہت مشہور تھی, پوری دنیا ان کو سنتی تھی, بالکل. تو ایسے اس میں یہ ہے کہ یہ بہت باریک کام ہے, اور آج کل کا جو میوزک ہے وہ بھی اچھا ہے. اچھا یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے بڑے استاد جو ہے وہ بیٹھ کے ایک ایسی بات اتنے آرام سے کہہ گئے کہ جو نیا میوزک ہے اس کو میں نہیں جانتا, میرا جو کام ہے میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. یہ اب ہمارے ہاں تین سو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ میں ہر میوزک جانتا ہوں اور وہ ہر چیز کرنا چاہتا ہے, پھر وہ ہر چیز بگڑ جاتی ہے. اب دیکھیں میں شاعری نہیں کر سکتا, ہم میں شروع کی ایک دو لائنیں لکھ لیتا ہوں, مطلب میں جب دھن بناتا ہوں نا تو وہ اس کو یاد رکھنے کے لیے کوئی لفظ دینے پڑتے ہیں, وہ اپنے پلے سے بنا لیتا ہوں میں, لیکن وہ ہم اس کو ڈمی بولتے ہیں. لیکن پھر بھی کئی دفعہ وہی لفظ بھی چل جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آگے میں اگر میں کہوں گی میں پوری گیت لکھ لیتا ہوں, نظم لکھ لیتا ہوں اور غزل لکھ لیتا, نہیں وہ میرا کام نہیں ہے. میں صرف شروع کی لائن دے دیتا ہوں, آگے پھر شاعر کو بول دیں جس کو پورا کریں. ہاں راگم باش کی آپ نے بات کی تو وہ ان کو میں ٹریننگ جو ہمارا خاندانی ورثہ ہے اس کی بھی میں ان کو دے رہا ہوں. اگر وہ صرف پاپ میوزک گاتے تو شاید میں ناراض ہوتا ان سے, لیکن میں اس لیے خاموش ہوا کہ شکر ہے کہ ان کو اپنے گھر کا جو ہمارا ورثہ ہے اس کو بھی لے کے چل رہا ہوں, اس کو بھی لے کر چل رہے ہیں. تو انہوں نے بلکہ ایک نئی شکل دی ہے کہ جو پاپ میں کلاسیکل کو مکس کرتے ہیں, بالکل اس میں وہ بھی ہوتا ہے, بیٹ بھی وہی ہوتی ہے, اور ساتھ اس میں کلاسیکل کا ٹچ بھی چلتا ہے. جو جن بچوں کو نہیں پتا وہ اسی بہانے سن لیتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے اپ کمنگ میوزیشن اور اسی پوری دنیا پہ جا رہے ہیں, بالکل پوری دنیا پہ پرفارم کر چکے ہیں وہ, بالکل. اب چائنا, امریکہ, کینیڈا سب جگہ پہ ابھی بھی جا رہے ہیں وہ, تو اللہ کا کرم ہے کہ اچھا بینڈ ان کا جا رہا ہے. تو میں ان کو جو ہوتی ہیں باتیں بتانے والی میں ان کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, باقی جو ہے وہ آگے لے کر وہ خود وہ کرتے ہیں. اچھا بریک میں ہم ایک بہت خوبصورت کلام جو ہے اس کی شروعات ہوئی تھی, اگر ہم وہ سب کو بھی سنا دیں. اچھا جی میں ایک فیض صاحب کا, فیض احمد فیض صاحب نے ایک فلم میں لکھا تھا اچھا کلام اپنا, صحیح. اس کو میں نے شاعری خوبصورت ہوتی تھی, اب یاد آیا فلموں کی اسکرپٹس کتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ اس میں یہ گانے ججتے تھے, یہ بیٹھتے تھے. اور آج کل کیا کہیں, چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. مارننگ, بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس. سب سے پہلے تو میں آپ کو ریسیپی دکھا دوں, تیار ہو چکی ہے اور بہت مزیدار لگ رہی ہے, اور جیسے ہی ہمارا شو ختم ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹرائی کریں گے. اور پیزا سوس کے ساتھ آج ہم نے فش جو ہے وہ بنائی ہے, اور یہ ساتھ پہ پٹیٹوز ہیں فرائڈ جو مجھے یہاں سے نظر آ رہے ہیں, ویری اپیٹائزنگ. اور ٹائم جو ہے ہمارے شو کا ختم ہوتا جا رہا ہے, میں چاہوں گی آپ کو سر کی آواز زیادہ سننے کو ملے, میری آواز تھوڑی کم, ہم تو روز ہی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے, مجھے بہت خوشی ہوئی. اور آپ کو انشاءاللہ ہم دعوت جو ہے وہ دیتے رہیں گے. ٹائم ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور آج کی اس محفل کو ہم ریپ